बैजनाथ में नगर पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर करने का मुद्दा फिर गर्मा गया है। छह गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं लोक सेवा मंच के संयोजक तिलकराज की अगुवाई में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तहसीलदार पवन ठाकुर के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भेजा है। बैजनाथ में नगर पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर करने का मुद्दा फिर गर्मा गया है। इस मसले को लेकर दो दिनों से लगातार क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पूर्व जिला परिषद सदस्य तिलकराज के माध्यम से बैठकें आयोजित की जा रही थीं। मंगलवार को भी ग्रामीणों ने बैजनाथ एसडीएम कार्यालय के प्रांगण में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गणखेतर, घिरथोली, उतेहड़, पंतेहड़, बुहली कोठी और पपरोला खास को नगर पंचायत से बाहर करने की एक स्वर में मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि इन क्षेत्रों को नगर पंचायत से बाहर करने के लिए मुख्यमंत्री और विधायक से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन हर बार आश्वासन मिलते हैं। मारे गए तो कोई कूड़ा नहीं जानता जी दिन तक कोई कूड़े नहीं उठाए कि नहीं था कोई यहाँ नाली नहीं बने की गई कोई कोई रास्ता हाँ कोई नहीं बनिया अहें चढ़ने आने की दिक्कत होती है हरेक चीज की कोई लाइट अहें नहीं है अंधेरा जमीन च मारे मकान है अहें नगर पंचायत की कोई सहूलत नहीं है कोई सहूलत नहीं है नगर पंचायत की। ये जो नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला में बनी है इससे ग्रामीण इलाके को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आबादी 20% है और जमीन जो एग्रीकल्चर जो खेती के योग्य है वो 80% है। उसमें नगर पंचायत द्वारा किसी प्रकार की भी कोई भी सुविधा आज दिन तक नहीं दी गई है। और ये 7 गांव हैं 11 वार्डों में, हमारे नगर पंचायत के 11 वार्ड हैं, उसमें ये 7 गांव हमारे पड़ते हैं, जिसमें गणखेतर गांव, गरथोली गांव, पंतेड़ गांव, उस्तेड़ गांव, बुरली कोठी गांव और पपरोला खास। तो ये बिल्कुल एग्रीकल्चर एरिया है, यहाँ पर नगर पंचायत का किसी प्रकार का कोई उत्थान आज दिन तक 3-4 वर्षों में नहीं हो पाया है। हम इसका विरोध करते हैं, हमें नगर पंचायत से निकाला जाए और हमें इससे अलग कर दिया जाए, ये हमारी सब की मांग है। और ये हमारा कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक इन गाँव को नगर पंचायत से अलग नहीं किया जाता। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं लोक सेवा मंच के संयोजक तिलकराज ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं पंचायत में प्राप्त थी उन सभी सुविधाओं से ग्रामीणों को वंचित होना पड़ रहा है। तिलकराज ने कहा कि मौजूदा विधायक ने अपनी प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पंचायत से बाहर करने के लिए जनता को आश्वासन भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और 70% से अधिक जो भूमि है इन क्षेत्रों की, वो सारी जिसमें गणखेतर है, गिरथोली है, उस्तेड़ है, पंतेड़ है, पपरोला खास है, बुरली कोठी है, ये सभी भूमि जो कृषि योग्य भूमि है और इसमें सभी ये किसान लोग हैं और खेती करते हैं, तो इनको नगर पंचायत का क्या लाभ मिलेगा? नगर पंचायत का लाभ जो नगरवासी हैं उनको मिलेगा और उनको मिलना चाहिए, हम उनके समर्थक हैं, परंतु हमें जो हमारे गाँव हैं उनको इससे बाहर रखा जाए। आज दिन तक ये पोजिशन है कि नगर पंचायत डंपिंग से कागजों में और कोरी घोषणाएं हैं, और ये जो ये नगर पंचायत बनी है सभी को बता मैं आज बता इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सभी बिना औपचारिकताएं और सब चीज़ों को दरकिनार रखते हुए हमारे संविधान में जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी उसको भी दरकिनार रख के ये सारी प्रक्रिया नगर पंचायत के गठन में अपनाई गई थी, और ये हमारे जो मौलिक अधिकार है ग्रामवासियों के, उनके मौलिक अधिकारों का इस प्रक्रिया से हनन हो रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। ग्रामीणों ने समस्या के समाधान की राज्यपाल और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है और साथ ही चेताया कि अगर आने वाले दिनों में इन गांवों को नगर पंचायत से बाहर नहीं निकाला गया तो सभी ग्रामीण आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।